लो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों सबसे पहले आज गुरु नानक जयंती है, आप सभी को लाख लाख बधाई। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आप बीती है दोस्तों, ये खुद की परेशानी जो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। आज आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि आप इस पेड़ के बारे में आप देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। आप पूरा पेड़ दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं बबूल का पेड़ है। और इसके बारे में मैं क्या, सारा हिंदुस्तान सभी जानते हैं कि इस पेड़ के बारे में क्या खूबियां हैं। कोई खूबियां नहीं है दोस्तों इसमें, यही कहते हैं कि बबूल के पेड़ में कांटे ही कांटे हैं। आप सभी मानते हो दोस्तों कि बबूल के पेड़ में बेटा कांटे ही कांटे होते हैं। इसकी खूबी आपको पता नहीं, पता कुछ होता है इसके अंदर खूबी नहीं मालूम आपको। मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि इसमें क्या खूबी है, और एक ऐसी खूबी है दोस्तों बड़े बूढ़ों बच्चों सभी के काम आती है दोस्तों। तो आपको बताने जा रहा हूँ नुस्खा बहुत ही अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है, और अगर इसको इस्तेमाल कर लोगे दोस्तों तो आजीवन आप सुख रहोगे, हर चीज़ का आप आनंद उठाओगे खाने के लिए दोस्तों। तो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये दातून बनाइए, नीम की जो दातून होती है दोस्तों किस काम आती है मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे छोटे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर चॉकलेट टॉफ़ी मीठी चीज़ खा के हमारे अपने दांत ख़राब कर लेते हैं, उनके मसूड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं दोस्तों। अपने साथ भी ऐसा हुआ था एक डेढ़ साल पहले, तो महसूस किया कि अपने दांत जो हैं हिल रहे हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने ही अपने मित्र भाई से पूछा, वो दांतों का ही काम करते हैं, तो उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं। फिर मुझे ध्यान आया, किसी ने मुझे बताया था कि किस काम आती है। दोस्तों अगर हमारे दांत हिलते हैं, मसूड़े कमज़ोर हैं, तो ये दांत दातुन इस तरह से चारों तरफ दांतों से इसको चबाना है, पूरी तरह से इसको मुलायम कर लेना है। और ये नहीं इतना ही, काफ़ी कम से कम आपको 20 से 25 मिनट रोज़ाना करना है, जिनके दांत हिलना शुरू हुए, जिसके थोड़े थोड़े दांत हिलते हैं, खूब इसको चबाना है ऐसे, और इस तरह से आकर मालिश करनी है दांतों के ऊपर, नहीं ये जो मसूड़े जो होते हैं आके ये सीढ़े ऐसे आराम आराम करना है। और इसका जो थूक निकलता है निकलना नहीं है, मुँह के अंदर रखना है ताकि मसूड़ों के अंदर जाए और मजबूती मिले, इसको खूब करना है। और दोस्तों अगर जिस भाई के नहीं भी है दांत, मतलब नहीं दांत हिल रहे हैं, उनको हफ्ते में 3 बार जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में आगे चल के हर किसी को बूढ़ा होना है, बुढ़ापे में क्या होता है अक्सर दांत टूट जाते, नकली दांत लगवाने पड़ते। दांत टूटते क्यों है सर, इसलिए टूटते कि हम ऊटपटांग खाते, कभी मंजन किया कभी नहीं किया, मतलब कुल मिला के ऐसा होता है मंजन किया कभी नहीं किया, कभी कुल्ला करके खाना खा लिया, हम ऐसे ही सो गए, तो हमारी दिनचर्या ठीक ना होने कारण ऐसा होता, हमारे दांत जल्दी टूट जाते, नकली दांत लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखे कि ये सपोर्टर लगवाते ना जाने कितना पैसा खर्च करते। अगर ये नुस्खा इस्तेमाल कर लोगे, जिनके दांत नहीं हिले सुन लें बड़े ध्यान से, हफ्ते में 3 दिन कम से कम आधा घंटे का टाइम निकालें, और अगर इस तरह से चना को आराम आराम इसका करना है दोस्तों। अगर जिसके दांत हिल रहे हैं, अगर 1 से 1.5 महीना करेगा कंटिन्यू, तो आप पहले करने से पहले अपने दांतों को देख लेना कितना हिलना है, और 1.5 महीने के बाद देखना कि दांत में हिलना कितना कम हो गया है। और दोस्तों मैं बार बार यही कहूँगा कि इस नुस्खे को आजमाओ, दवाई दारू से कुछ नहीं होता है, ये एक ऐसा नुस्खा है। हमारे आजू बाजू आप इधर जरा घुमाएंगे कैमरे को, इधर देखो, ये इनमें बहुत ही सारी वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं तो गांव में रहा हूं, तो हमें तो जानकारी है, तो ऐसे जैसे जैसे हमें चीज़ मिलती जाती है हम आपके सामने वो चीज़ शेयर करते हैं। इसके बारे में आज तक आपने कोई वीडियो नहीं देखा हो, बबूल के पेड़ के फ़ायदे क्या, इस पेड़ के फ़ायदे, दातून का फ़ायदा क्या, मैं आपको बता दिया दोस्तों। इस्तेमाल ज़रूर करना, कहते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मगर ये तो साथ ही साथ पहले इस पर विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो कि ये रामबाण औषधि है या नहीं है दोस्तों। बच्चों को जरूर कराएं, छोटे छोटे बच्चे जो चॉकलेट टॉफी खाते हैं उनको जरूर करवाएं, क्योंकि अगर उनको करवाओगे तो आगे चल के उनके मसूड़े सही रहेंगे, बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, तो दांतों में वो एकदम कड़क रहेंगे दांत, मसूड़े मजबूत रहेंगे। कहते हैं ना कि हम मकान बनाते हैं, हमारी अगर नीम मजबूत रहेगी तो हमारी दीवारें मजबूत रहेंगी, अगर हमारी दीवार मजबूत है तो हमारी
छतें मजबूत रहेंगी तो सालों साल चलेंगी, अगर नींव मजबूत नहीं है तो दीवारें गिर जाएंगी, मकान ढह जाएगा। बस ये दांतों का जो मकान है इसको मजबूत करने के लिए दोस्तों एक नुस्खा रामबाण बता दिया है। ये नीम के पेड़ की दातून, ये नीम का पेड़ कहते हैं इसमें कांटे होते हैं, कहावत है कि नीम का पेड़ लगाओगे तो कांटे मिलेंगे, गुलाब की खुशबू नहीं मिलेगी दोस्तों। मगर कहते हैं जैसे नीम का पेड़ बदनाम है, कड़वाहट है, नीम के पेड़ में भी बहुत उसमें फ़ायदे होते हैं, हर किसी को पता है। नीम का पेड़ ऊपर से नीचे तक फायदा ही फायदा देता है। इसके कांटों को छोड़ के और इसकी डंडी को देखो तोड़ के दातून बनानी है, करनी है दोस्तों। अब ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए आज के यहीं विराम लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों हमारे वीडियो को जो भी पहली बार देख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।